कल यानी 28 अक्टूबर से श्री राम कथा का भव्य आयोजन पांडेश्वरनाथ शिवालय पंडावाग में शुरू हो गया। श्री राम कथा आचार्य श्री अमरीश जी के द्वारा प्रारंभ की गई है। कथा प्रारंभ होने से पूर्व लोहाई रोड स्थित राधा श्याम मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जो कि कथा स्थल पंडाल तक आकर संपन्न हुई। इसके उपरांत पूजन के बाद कथा का शुभारंभ किया गया। इस राम कथा का आयोजन श्री दुर्वासा ऋषि आश्रम के महंत श्री ईश्वरदास ब्रह्मचारी जी के सर संरक्षक तत्व में किया जा रहा है। इस राम कथा के आयोजन समिति के सदस्यों में प्रमुख रूप से फरुखाबाद विकास मंच जिला अध्यक्ष भैयन मिश्रा, प्रिंस शुक्ला, हिंदू महासंघ युवा प्रदेश अध्यक्ष विमलेश मिश्रा, कथा के व्यवस्थापक कोमल पांडे, सुरेश दीक्षित, मोहित खन्ना, सौरभ मिश्रा, हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष क्रांति पाठक, राजीव तिवारी, विनय दीक्षित, प्रसाद मिश्रा, मनोज दीक्षित, नन्हे पंडित, सभासद सचिन शर्मा, रश्मि मिश्रा, शिखा मिश्रा, रीना दीक्षित, हेमलता मिश्रा, आरती लक्ष्मी ओग्नोत्री, नीलम पांडे, अनिता मिश्रा, प्रीति अग्रवाल, नैना खन्ना सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं माताएं बहनें उपस्थित रहीं। श्री राम कथा का आयोजन 28 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक फरुखाबाद में पहली बार राम कथा का शुभारंभ कर रहे हैं, और हमें ऐसा जानकारी मिली है कि आप फरुखाबाद के ही निवासी हैं। ऐसा क्या कारण रहा कि अभी तक आपने फरुखाबाद में राम कथा नहीं कही? देखिए, अन्यान्य प्रदेशों में भारत के हमारी कथा का गायन होता रहा है। अभी थोड़े दिन पहले ही हम बिहार से आए हैं कथा गा के। पूज्य ईश्वरदास जी महाराज जी ने हमसे कहा, आदेशित किया हमें, आपको फरुखाबाद में भी एक कथा गानी है। हमने उनसे कहा, हमका महाराज जी, हम यहीं के बालक हैं, हमें यहाँ कथा गाने के लिए लोग कहेंगे कि अभी घर का बालक है, क्यों कैसे कथा सुनी जाए। महाराज जी ने कहा, आप चिंता ना करिए, यहाँ आपकी कथा सुनी जाएगी। तो उनके आदेश का पालन हो रहा है सरकार, जैसे राम जी चाहेंगे वैसी कथा होगी। पहली बार ही सही, आगे देखा जाए। ईश्वरदास जी महाराज हम सबके पूजनीय हैं, उन्होंने अगर आदेशित किया है तो कहीं ना कहीं श्री राम जी का सीधा आदेश, जैसा कि हमें प्रतीत होता है कि उनका सीधा श्री राम जी का ही आदेश है, इसलिए आप फरुखाबाद में कथा कह रहे हैं। देखिए, हमारे गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है। पूज्य गुरुदेव भगवान अभी जगत गुरु हैं। हमें लग रहा है धरती पे जीवित प्राणी जो होता है उसके गुरुदेव होने का उनको सौभाग्य प्राप्त है। ऐसे गुरु का शिष्य होने के नाते संतों का प्यार मिलना लाजमी हो जाता है। संत हमें बहुत स्नेह करते हैं, ईश्वरदास जी महाराज जी भी हमें बहुत स्नेह करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी कभी समय होता है हम एक दूसरे से मिलकर वार्ता करते हैं, इसलिए और उनका थोड़ा सा प्रेम जागृत हुआ, उन्होंने सोचा हमारी कथा यहाँ होनी चाहिए। फरुखाबाद के बड़े संत हैं और वो कथा करवा रहे हैं, तो हमें लगता है फरुखाबाद की पावन धरती बहुत ही अच्छा, और पांडेश्वरनाथ मंदिर में हो रही, इससे पहले भी एक कथा हुई तो उसके विषय में बहुत सारी चर्चाएँ हुई हैं शहर में, जो भी हुई होंगी, कुछ लोगों ने कहा है कि ऐसा कुछ हुआ, तो हो सकता है महाराज जी ने इसीलिए आपको यहाँ के लिए चिन्हित किया। देखिए, मैं आपसे एक बात निवेदन करूँ, आप ये जान लीजिए अम्बरीश तिवारी कुछ है नहीं, ये संतों की कृपा का प्रसाद है जो हम आज यहाँ पे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ईश्वरदास जी महाराज महान संत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनकी जो कृपा थोड़ी सी हमारे ऊपर बरसी है कि इस कारण से भी हम यहाँ पे हैं। पांडेश्वरनाथ जी महाराज जी का पावन सानिध्य मिल रहा है, उनकी कृपा हमारे ऊपर है। और दूसरा ये भी होता है, गोस्वामी जी ने चौपाई कही, जही पर कृपा करहि जन जानी, कवि उर रुचिर न चावहि बाय। जब उनकी कृपा होती है तो कोई राम कथा का वक्ता कहलाता है। राम जी की कथा गा पाना इतना सरल नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं, शंकर भगवान ने भी एक बार असमर्थता व्यक्त कर दी पार्वती जी के साथ, आप लोग कल परसों की कथा में श्रवण करेंगे। राम जी की कथा गाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। एक आदि गुरु शंकराचार्य जी का एक श्लोक है, राम जी की कथा क्या है, असत्य गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र उर्वी लिखत यदि गृहीत्वा
शारदा सर्वकालम तथापि गुणामीश पारम न याति। यदि ये जो पहाड़ हैं इनको फोड़ के स्याही बनाई जाए, समुद्र रूपी दवात में इनको घोला जाए और कल्पतरु की कलम से इस पृथ्वी रूपी कागज पे सरस्वती माता दिन रात लिखती रहें, तो भी राम जी के चरित्र को लिखा नहीं जा सकता। फिर ये अमरीश तिवारी कौन होता है राम जी की कथा गाने वाला? ये संतों का प्रसाद है, जैसा वो हमसे गवाएंगे हम गाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है माला जी, धन्यवाद।